नमस्कार दोस्तों, आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। ये स्टोरी है इंदौर शहर से, जहां एक ट्रांसजेंडर जिसका नाम था मोहसिन एलियास जोया किन्नर, वो पिछले महीने की 28 अगस्त से मिसिंग था और अब जाकर उसकी लाश बहुत बुरी हालत में दो हिस्सों में कटी हुई मिली है। एक हिस्सा किसी और जगह मिला है और दूसरा हिस्सा अक्यूज्ड के घर के सामने से बरामद हुआ है। अब देखते हैं कि इस केस में पुलिस ने कातिल को कैसे ढूंढ निकाला और क्या है इनकी बैकग्राउंड में स्टोरी। एक्चुअल में हुआ कुछ यूं था कि एक शख्स जिसका नाम नूर मोहम्मद था, उसकी बीवी अपने मायके गई हुई थी और इस दौरान वो फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक्टिव थी। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट पर एक शख्स से उसकी बात शुरू होती है, बात मुलाकात में बदलती है और जिस शख्स से इसकी बीवी का रब्ता था, नूर मोहम्मद की बीवी का, और जो इसकी बीवी से अक्सर मिलने आता था, वो यही ट्रांसजेंडर था जिसका नाम था जोया किन्नर। जब नूर मोहम्मद को इसके बारे में पता चलता है तो वो सीधा जोया किन्नर को कन्फ्रंट करता है। दोनों में लड़ाई होती है और लड़ाई इतनी बढ़ती है कि नूर मोहम्मद इस जोया किन्नर को स्ट्रैंगल करता है। इसका गला इतनी ज़ोर से किसी रस्सी की मदद से स्ट्रैंगल किया जाता है कि किन्नर की वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी लाश को दो टुकड़ों में काट कर एक टुकड़े को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया जाता है और दूसरे टुकड़े को अपने ही घर के सामने फेंक देता है। पुलिस जब 28 अगस्त के बाद के सारे सीसीटीवी फुटेज, जोया के सोशल मीडिया अकाउंट और सारी कड़ियों को जोड़ती है तो एक ओपन एंड शट केस बन जाता है, जब नूर मोहम्मद भी कत्ल को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगली कहानी में बढ़ते हैं तो ये कहानी है 7 सितंबर की। एक अजीब सा चौंकाने वाला केस सामने आया है झारखंड से, जहां एक 40 साल के शख्स ने, जो कि एक घर में नौकर का काम करता था और ये एज ए कुक भी था, तो उसने अपने ही मालिक और उसकी पत्नी को सोते हुए कुल्हाड़ी से हमला किया। पति और पत्नी, जिनका नाम रिचर्ड मींस और मेलेनी मींस था, उनको मार डाला और उनकी एक बेटी को घायल कर दिया। अचानक से उनके बेटे की नींद खुलती है इनकी चिल्लाहट सुन के और वो पड़ोसी लोगों से मदद की गुहार लगाता है और तब पड़ोसी आकर इस शख्स पर काबू पाते हैं और इसको पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस जब इस शख्स से इंटरोगेशन करती है तो पता चलता है कि इस शख्स का नाम था सत्येंद्र लाकरा और कुछ ही दिन पहले इसकी खाने की बात पर अपने मालिक रिचर्ड से लड़ाई हो गई थी। इसी वजह से सत्येंद्र को लगता था कि उसका मालिक रिचर्ड उसको जान से मार डालेगा और इससे पहले कि उसका मालिक उसको कत्ल कर दे, सत्येंद्र ने उसी का कत्ल कर दिया। नाउ यहाँ अभी से तो नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सकता कि एक्चुअल में मोटिव क्या रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई खाने की बात को लेकर अपने नौकर का कत्ल क्यों ही करना चाहेगा। खैर, फिलहाल वेपन को जब्त कर लिया गया है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर इस केस में मोटिव क्या था जिसने इस नौकर को अपने मालिक का ही कत्ल करने के लिए मोटिवेट किया। नाउ नेक्स्ट स्टोरी में अगर हम चलते हैं तो हरियाणा में 11 साल का बच्चा एक मदरसे में पढ़ता था, जो कि मदरसा नू नाम के इलाके में था। शाम के वक्त जब मदरसे में अटेंडेंस ली जाती है तो पता चलता है कि एक बच्चा मदरसे से गायब है। बच्चे की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है तो बच्चे की लाश पीर दादा शाह चोखा की मज़ार के पास मिलती है, जो कि शाह चोखा नाम के गांव के पास है। बच्चे का चाचा इस बारे में कहता है कि उसे बताया गया था कि उसका भतीजा छुट्टी लेकर घर आ रहा है, लेकिन जब वो घर नहीं आया तो इन्हें मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी। दूसरी तरफ देखें तो इस्लामिक मदरसा दरगाह शाह चोखा के डायरेक्टर मौलाना जाकिर, उनका कहना है कि वो शाम की प्रेयर में तो था लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया जब अटेंडेंस की बारी आई और उसके बाद सीधा उसकी लाश मिलती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कत्ल का मोटिव क्या था, मोडस ऑपरेंडी क्या था और एक बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, खासकर जब वो महल 11 साल का था। अगली खबर है दिल्ली से। हम देखते हैं कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस को एक टिप मिलती है कि एक शख्स जिसका नाम मनीष है, वो कहीं हीरोइन की सप्लाई करने जा रहा है। पुलिस ने भी सोचा होगा कि कुछ लाख की हीरोइन होगी, लेकिन जब पुलिस इस शख्स को, जो कि हिस्ट्री शीटर भी था, पकड़ती है तो इसके पास से 1 किलो 300 ग्राम हीरोइन बरामद होती है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। अ वूपिंग 2 करोड़ रुपीस फॉर मेयरली 1 kg 300 ग्राम हीरोइन। 1 किलो 300 ग्राम की हीरोइन के 2 करोड़ रुपये इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है। नाउ ये जो मनीष है, उसने दिल्ली में ही 2014 में एक रोबरी को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से 5 साल जेल में रहा और 2019 में जेल से रिहा हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी गैम्बलिंग की आदत छूटी नहीं, वो और जोर पकड़ती गई बहुत सारा कर्जा होने के बाद। नाउ आखिर में उसको कोई चारा ना दिखते हुए ड्रग ट्रैफिकिंग को चुनना पड़ता है और अब इतना बड़ा केस इसके ऊपर लगा है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गालिबन ये 10 साल से ज़्यादा की जेल काट कर ही अब बाहर आएगा।